अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ हैदराबाद सिंपल एंड इजी लंच। लंच में मैं बता रही हूँ खीमा है, टमाटे की चटनी और राइस। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ आधा किलो खीमा और उसको वॉश करके रख ली। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टीस्पून फुल अदरक लहसुन, 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्ची। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। खीमे के लिए मैं लूँ 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक कट कर ली और 2 बड़े साइज के आलूओं को मीडियम चिप्स के शक्ल में कट कर ली। मीडियम कट करी, बारीक नहीं। दूसरे चूल्हे पे हम चावल रख देंगे। चावल को वॉश करके मैं 15 मिनट छोड़ दी भीगने। 15 मिनट के बाद चूल्हे पे तेज चूल्हे पे रखे और 1 टेबल स्पून नमक डाल के ढाप देंगे बॉयल होने तक। बीच में 1 से 2 बार मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई रख दी मैं, इसमें ऑयल डाले। अब इसको आलू के जो चिप्स कटे हुए थे फ्राई करके निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। चटनी के लिए, टमाटे की चटनी के लिए मैं ली हूँ 1 किलो टमाटे और उसको अच्छे से वॉश कर दी। अब इसको बारीक कट करके साइड में रख लेंगे। टमाटर को कट करके साइड में रख देंगे। चलिए आलू गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें यही ऑयल में जो प्याज रखे थे वो डाल देंगे। प्याज को हल्की से ब्राउन होने तक, इसका कच्चापन जाने तक फ्राई कर देंगे। चलिए 5 से 7-8 मिनट तक मैं इसको तेज पुल में पका ली। प्याज से कच्चापन भी चलेगा, इसमें हल्की से सॉफ्ट हो गई और हल्के से पिंक कलर की हुई। अब इसमें डालेंगे खीमा। खीमा डालने के बाद एक बार प्याज के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे। मिनट तक मैं तेज फ्लेम पे उसको अच्छे से भून ली खेमे को। अब छोटे कप से 1 कप पानी डालेंगे इसमें। अच्छे से मिलाने के बाद फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमा करके इसको 10 मिनट के लिए ढाप देंगे। चलिए चावल हो गया, इसमें हल्की सी कनी बाकी है, इसको निथार के दम पे रख देंगे। चलिए मैं इसको चावल को पानी को निथार ली। अब इसको धीमे पे 7 से 8 मिनट तक धीमे पे छोड़ देंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। टमाटे की चटनी के लिए मैं कढ़ाई रख दी और इसमें ऑयल डाली। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा ब्राउन होने तक वेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून फुल अदरक लहसुन। अब इसमें करियापत्ते के पत्ते सूखे मिर्च। हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्ची और 2 टीस्पून नमक। ये शॉर्ट एंड स्वीट है, झटपट बन जाती। मेरे चैनल पर टमाटर ये कई किस्म के चटनियाँ हैं, आप चेक कर लीजिए माय किचन से उसको भी। तेज फ्लेम पे पकाएंगे। एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद 10 मिनट तक तेज फ्लेम पे इसको ढाक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए मैं धीमी फ्लेम पे इसको छोड़ दीजिए। 10 मिनट हो गया।
अब इसमें डालेंगे एक दो से तीन हरी मिर्चों को पीसेस कर लीजिए, और मेथी की भाजी, अगर मेथी की भाजी नहीं रही तो कोथमीर डाल सकते हैं, हरा धनिया कोथमीर को भी कट करके आप उसमें मिला सकते हैं। फ्लेम को तेज करेंगे। अब जो फ्राई करके आलू रखे थे वो आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद एक बार इसको सारे फ्लेम को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी है, ये एक से दो मिनट के लिए, सिर्फ दो मिनट के लिए मैं फ्लेम को तेज़ करके सारे खेमे को एक बार अच्छे से मिला लें। वो पानी में जो आलू, थोड़े से आलू की कसर बाकी है वो गल जाएंगे और मेथी भी पक जाएंगे। फ्लेम को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करके ढाप के 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम को ढाप के छोड़ दी। अब आलू को टमाटर को अच्छे से भूनते जाएंगे। इसको भूनते भूनते मैश करते हुए भूनेंगे। इसके छींटे उछलते हैं इसलिए मैं फ्लेम को धीमा कर दी, धीमा करके इसको मैश करते हुए भूनेंगे। हाँ, टमाटर तो अच्छे से गल चुके। अब ये टाइम आप नमक टेस्ट करके डाल सकते हैं। देसी टमाटे चटनी के लिए लेना है। अगर हाइब्रिड टमाटे लेंगे तो गलते भी नहीं, हो गल भी गए तो घट रह जाते, मैश ना होते, भुने नहीं जाते। चलिए टमाटरों को मैं अच्छे से भून लिया। अब इसमें डालेंगे कोथमीर। कोथमीर ये चटनी में ये बहुत अच्छे, इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा था। इसको भी ढाप के 5 से 7 मिनट धीमे पे छोड़ देंगे। मेरे चैनल पर टमाटर की चटनियों के कई किस्म के टमाटर की चटनी की रेसिपी आप देखिए। चलिए 5 से 7 मिनट धीमे पे मैं धीमे फ्लेम पे छोड़ दीजिए, और माशाल्लाह इसका पानी सारा सूख गया और तेल, इसका तेल साइडों से छूटना शुरू हो गया। फ्लेम को बंद करके साइड में रख देंगे। 10 मिनट तक मैं धीमे पे चटनी को रख दीजिए। 10 मिनट हो गए, फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए हमारा हैदराबादी सिंपल लंच तैयार हो गया। खाना और टमाटे की चटनी, खीमा और गरम खाने के साथ आप थोड़ा सा घी भी रख सकते हैं। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेरे नए चैनल हैदराबादी शाहिद अस्सा खान को भी सब्सक्राइब करिए। उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी।